हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वैभव सिद्धार्थ हियर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेस्सी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं बेंगलोर का टॉप टू कॉलेज कौन सा है। और आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, पेस्सी यूनिवर्सिटी। अभी मैं पेस्सी यूनिवर्सिटी में हूँ और एक्चुअली आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पेस्सी यूनिवर्सिटी। तो टॉप टू पे मैंने रखा है पेस्सी यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं पेस्सी को बहुत अच्छे से भली भांति जानता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ पेस्सी यूनिवर्सिटी का NIRF रैंकिंग कितनी है, तो वो है 100। तो आपको लग रहा हो कि 100 NIRF रैंकिंग उतनी अच्छी कॉलेज नहीं, बट एक्चुअली में प्लेसमेंट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है बैंगलोर में RV के बाद। तो अब हम आते हैं कि अगर पेस्ट का कैंपस कितना बड़ा है। पेस्ट का कैंपस 30 acres का है, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ का एवरेज पैकेज कितना है, तो वो 9.5 lakh से तो 11 lakh के बीच में होता है। और ये एक तरीके से बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। अगर यहाँ पर CS ब्रांच अगर मिल जाता है, आपके लिए बेस्ट है। स्कोर ब्रांच में भी अच्छे यहाँ प्लेसमेंट हो जाते हैं। अगर CS ब्रांच की बात करूँ, तो उसका जो होता है एवरेज पैकेज 11 lakh से भी ऊपर होता है जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ का हाईएस्ट पैकेज के बारे में, तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ उसके नीचे मेरा जो प्लेसमेंट सेल है, और वहाँ से 1.5 crore का हाईएस्ट पैकेज जा चुका है। गाइस, आप सोच सकते हो, सिमेजन ऐसे ऐसे IITs में भी नहीं होते, कई बड़े बड़े IITs में भी नहीं होते, और लेकिन यहाँ पे स्पेशल यूनिवर्सिटी में 1.5 crore का हाईएस्ट पैकेज जा चुका है। गाइस, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन कैसी होती है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। तो आप मुझे पे कैसे ढूंढोगे इंस्टाग्राम पे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, तो आप वहाँ पे जाके मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपके सारे डाउट को भी होता है सॉल्व कर दूँगा। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।